नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। खोया हुआ मोबाइल बरामद। सिद्धार्थनगर जिले के एसपी विजय ढुल ने आज 121 मोबाइल धारकों को उनके खोए या गिरे मोबाइलों को सर्विस लॉन्च टीम की मदद से बरामद करवाकर सौंपा। पुलिस के इस कार्य की मोबाइल धारकों ने प्रशंसा की। जिले की सर्विस लॉन्च टीम अपने विभागीय कार्यों के साथ समय समय पर खोए या गिरे मोबाइलों को बरामद कर मोबाइल धारकों को सौंपने का काम कर रही है। सर्विस लॉन्च टीम के आरक्षी दिलीप द्विवेदी और विवेक कुमार मिश्रा इससे पहले भी इस वर्ष में 378 खोए या गिरे मोबाइल बरामद कर मोबाइल धारकों को सौंप चुके हैं। एसपी ने इस सराहनीय कार्य के लिए सर्विस लॉन्च टीम को उत्साहवर्धक हेतु 10,000 रुपया नगद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया। एसपी ने बताया कि उनका प्रयास है कि अपने कर्तव्यों के साथ साथ आम जनता के लिए भी कुछ बेहतर किया जाए, इसीलिए सर्विस लॉन्च टीम के जरिए जिनकी भी मोबाइल खोने या गिरने की शिकायत मिलती है उनको बरामद कराकर असली मोबाइल धारकों को सौंपा जाता है। आज जिन 121 मोबाइल धारकों को मोबाइल दिया गया है उनमें रिटायर्ड फौजी, पुलिस कर्मी, पत्रकार भी शामिल हैं। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। कोई व्यक्ति बताता है कि उसका मोबाइल गुम हो गया है, तो इसी के क्रम में सर्वेलांस सेल के माध्यम से जो भी इस टाइप की एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुई थी उन सबको मोबाइल सर्वेलांस के माध्यम से उन सबके फ़ोन को लोकेट किया गया और आज 121 मोबाइल हम उनके जो राइटफुल ओनर्स हैं, उनके जो मालिक हैं, उनको वापस लौटा रहे हैं। इससे पहले भी विभिन्न तिथियों में पुलिस विभाग द्वारा 378 मोबाइल पिछले एक साल में हमारे जनपद के लोगों को वापस लौटाए गए। जिस टीम जो टीम में काम कर रही है इसके लिए उसको कुछ पुरस्कृत किया जा रहा है? जी, सर्विलांस की टीम जिन्होंने सारे मोबाइल्स की रिकवरी की है और पहले भी इस प्रकार का काम किया उनको मेरी तरफ से 10,000 रुपये नगद इनाम दिया जाए।